भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को लेकर फिलहाल बातचीत रोक दी गई है। भारत कनाडा के बीच मौजूदा राजनीतिक कूटनीतिक तनातनी के बीच ये वार्ता रोकी गई है। कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनजी अक्टूबर में एक ट्रेड मिशन पर भारत आने वाली थी। इस मिशन के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत होनी थी। इस ट्रेड मिशन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये वार्ता अक्टूबर में होनी थी। मैरी की प्रवक्ता शांति कैसोन्टिनो ने कहा है कि फिलहाल हम भारत के साथ आगामी ट्रेड मिशन को स्थगित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह है खालिस्तानी मुद्दे, और खालिस्तानी मुद्दे का हवाला दिए बिना एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक बार राजनीतिक मुद्दे सुलझा लिए जाने के बाद बातचीत बहाल कर दी जाएगी। ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हाल ही में कनाडा ने बातचीत को स्थगित करने की बात कही थी। अधिकारी ने कहा कि भारत ने कनाडा में हुए कुछ चुनिंदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए राजनीतिक मुद्दों का हल निकलने तक हमें ये वार्ता रोकनी पड़ी। जैसे ही इस राजनीतिक मुद्दों का हल निकल जाएगा, ये वार्ता एक बार फिर बहाल कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक विराम है। इससे पहले भारत ने शुक्रवार को कहा था कि जब तक कनाडा अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाता है, तब तक उसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं की जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच लगभग एक दशक के बाद FTA पर बातचीत शुरू होने वाली, लेकिन भारत की ओर से बयान आने के बाद कनाडा ने प्रतिक्रिया देते हुए अगले महीने भारत दौरे पर अपने आने वाले ट्रेड मिशन को स्थगित कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस समूह ने ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में खालिस्तान की मांग को लेकर 10 सितंबर को जनमत संग्रह कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के समक्ष कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी। G20 समिट खत्म होने के बाद ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी, अंतरात्मा की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की अभिव्यक्ति की रक्षा करता रहेगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी समय हम हिंसा और नफरत को भी खत्म करना चाहते हैं। मालूम हो कि दोनों देशों के बीच FTA को लेकर अब तक दर्जन भर वार्ताएं हो चुकी हैं। इन वार्ताओं की शुरुआत 2010 में हुई थी। ट्रूडो के कार्यकाल में कई खालिस्तानी आतंकियों ने भारतीय मूल के लोगों पर हमले भी किए, जिसकी भारत ने आलोचना की थी। धीरे धीरे ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत और उसके संबंधों में दूरियां भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं। कनाडा वित्त वर्ष 2023 में 8.16 अरब डॉलर व्यापार के साथ भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। इस दौरान भारत ने कनाडा को 4.11 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो वित्त वर्ष 2022 में 3.76 अरब डॉलर का था। कनाडा से आयात 29.3% बढ़कर 4.05 अरब डॉलर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, VRTV भारत।